सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छी ही होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। गाइज, मेरे बाल अभी बिल्कुल गीले हो रहे हैं क्योंकि आज मैं जा रही हूँ, कॉल आ गई गाइज, काट दो, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मूवी देखने, और मैं मम्मी को और उबी को अपने साथ ले जा रही हूँ मूवी दिखाने। गाइज, मैं कभी अकेले नहीं जाती मूवी देखने, हमेशा मम्मी को और उबी को अपने साथ लेके जाती हूँ। और हम अपने टिकट बुक कर रहे थे, मेरे मम्मी के और उबी के, बट मनतापी ने कहा कि मैं भी जाऊँगी, और हमने मनतापी से टिकट बुक कराए। तो हमने उनसे कहा कि मनतापी हमारे 3 टिकट बुक कर दो, प्लीज़ सीट्स फुल हो जाएंगी। तो मनतापी ने चुपचाप अपना भी टिकट बुक कर लिया, वो भी हमारे साथ जा रही हैं मूवी देखने। सो गाइज, आज हम देखने जा रहे हैं डंकी। ठीक है, हमने शाहरुख खान की जवान भी देखी है और हमने पठान भी देखी है, हमने टाइगर नहीं देखी गाइस, और हमने एनिमल टाइगर भी इन्होंने देखी है, तौबा मूवी देखती है। हमने जवान भी देखी है, पठान भी देखी है, और हम जा रहे हैं डंकी देखने। सो अभी हमारी मूवी में चुप रहे, पहले मैं अपना बता दूँ मूवी का, पहले एक्सप्लेनेशन देना। सो अभी हमारी मूवी में रहते हैं 50 मिनट, उबी बस आने ही वाला है, फिर मैं कर रही हूँ कैब, देन हम निकलेंगे मूवी के लिए। और उसके बाद आज होगा एक नया उद्घाटन, अलमास आपकी मशीन लेने जाएंगे, उसके बाद वॉशिंग मशीन, फिर मम्मी जाएंगे अलमास आपके साथ वॉशिंग मशीन खरीदने, ये लोग वॉशिंग मशीन खरीद के लाएंगे, हम वो भी आपको दिखाएंगे कि इन लोगों ने कौन सी वॉशिंग मशीन पसंद की, ये कौन सी वॉशिंग मशीन लेके आए, तो फिर वो सब भी आप देखोगे। और अलमास आपके यहाँ शायद आज हुमा खाला भी आए, बिकॉज कल हुमा खाला यहाँ पे आई थी, बट मैंने उसकी व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मैंने हुमा खाला को लालच देके बुलाया था, मुँह में पानी आ रहा है, कि मैं आपको गरम गरम रोटी खिलाऊंगी, तो वो झट से आ गई, झट से नहीं रोटी, वो गरम गरम रोटी गाइस, वो उन्हें गरम रोटी बहुत पसंद है, तो गरम गरम रोटी खिलाई तो वो झट से आ गई। तो कल भी हुमा खाला आई थी और आज हम अलमास आप के जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैं भी हुमा खाला आया, मेरे को शॉर्ट नहीं, मेरी आप ही से भी बात नहीं हुई। सो अभी हम बस निकल रहे हैं, थोड़ी देर में मैंने आपका दिमाग खा लिया होगा, वो तो मैं खाऊंगी जिंदगी भर में आपका दिमाग खाऊंगी, है ना गाइस। तो अब हम बस निकल रहे हैं, मैं अपनी कैब कर रही हूँ गाइस। हाँ गाइस, हम ना रेडी हो चुके हैं, देखिए आज मैंने मेकअप करवाया 2 दिन बाद, लुटपुट गया सुबह भी आ चुके हैं और एना रेडी हो गई, एना तो जबरदस्ती जैकेट पहनाई है। हाँ, और अब हम निकल रहे हैं, ये मैं उतार दूंगी कैब में बैठ के, उतार दूंगी कैब आ चुकी है हमारी, अब हम जा रहे हैं। और अलमार साहब ने हमें इतना सारा सामान दे दिया, ये भी दे दिया और ये इतना बड़ा डब्बा भी दे दिया, और ये लेके जाना है आपके घर सामान। पैसे ले लिए 400 रुपए मैंने कहा लिए, दे लेने पड़ेंगे बेटा, क्यों फोन का तो वो तो आ रहा है ना गाइस, बेचारी गरीब ऐसे ही मांगते देती हूँ, मार दो मैं दिखा लेके जा रही हूँ, ज्यादा देर। मैंने अपना टिकट खुद बुक करा दिया, इंटरवल में आप मुझे खिलाओगे भूखी। गाइस हम समोसा खाएंगे गाइस, मैंने अपना टिकट खुद बुक करा है, मैं किसी के बदौलत नहीं जाती, मैं अकेले भी जा सकती थी। गाइस मैं 3 दिन, सिर्फ 3 दिन अलमास आपके घर पे रुकी, और मैं आपको अपनी स्कूटी का हाल दिखाऊं, इनसे मेरी स्कूटी मेंटेन नहीं करी गई, क्या हाल कर दिए इन्होंने 3 दिन में मेरी स्कूटी का, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसी लग रही है कि 10 साल पुरानी यहीं पर खड़ी हुई है। ये रही मेरी स्कूटी, देख लो इस पर मिट्टी, देखेगा इस मिट्टी, बेचारी मेरी स्कूटी। अब हम जा रहे हैं गाइस, हमारी कैब आ चुकी है और ना इतरा रही है, ठंड हो रही है, हाथ तो देख लो सर ढक रखा, हाथ खुले छोड़ रखे। हाँ गाइस, गाइस नहीं बोलूँगा मैं, बहुत देर हो गई है हमें यहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए, और हमारी मूवी निकलने वाली है, कितना टाइम बचा है, 3 मिनट बचे हुए, और अभी हमें पहुँचने में लगेंगे 10 से 15 मिनट, और हमें सामान भी देना है, 6 मिनट रह गए पहुँचने। हाँ, और हमें सामान भी देना है आप ही को, अलमास आप ही को, बट अब देखो हम देने जाएंगे, हम देने जाएंगे या मनता आप ही रुकेंगी और हम मूवी देखने जाएंगे, क्या कहना चाहोगी आप, रुकोगी बाहर? अच्छा मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत प्यारा सा बच्चा हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। चलो ठीक है, डंकी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ शाहरुख खान को देखने के लिए, कैसा लगेगा, एंड आई एम राजकुमार हिरानी फैन, सो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मूवी देखने के लिए। अरे ठीक है, संजू ओ राजकुमारी सर, सॉरी राजकुमारी। चलो ठीक है गाइस, वहीं जाके मिलते हैं, बाय गाइस। हम बहुत लेट हो चुके हैं, लोग देखिए कैसे भाग रहे हैं, और दीपा खड़ी है वहाँ पर सामान लेने के लिए क्योंकि जीजू नहीं आए, और ये लोग हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो, हमारी 10 मिनट की मूवी निकल गई, ये हमारी मम्मी को तो मूवी से पड़ी नहीं है, पीछे पड़ी हुई है वो।
मैं जल्दी से पहुंच के गाइस आपको वहां मिलती हूँ। गाइस रिफा हमें मिल गई, नाइट सूट में बेचारी। रिफा रिफा, अरे लो ना, ओ वाह बढ़िया लग रही है गाड़ी तो। ओ पोर्च पोर्च, बाय रिफा। गाइस हम जा रहे हैं, ये आ गई मम्मा। इंटरवल हो गया था, हमने अपना खाना ले लिया, यानी मेरी पॉपकॉर्न, ये बनता भी समोसा, उधर मम्मी की पॉपकॉर्न, इधर ओपी का समोसा, हमने चारों ने अपनी अपनी, ये ओपी का समोसा बहुत स्वाद था डिब्बा जी पे, इसे समोसा बहुत पसंद है यहाँ का। वो पॉपकॉर्न और समोसा और पॉपकॉर्न, अब हमने खा लिया है, अब इंटरवल खत्म हो गया। वो मेरी पॉपकॉर्न क्यों गाइस, हम लोग मूवी देख के आ चुके हैं और हम विजय सेल्स में हैं। आपके लिए गाइस मूवी इतनी बढ़िया थी, गाइस मैंने सोचा था मैं आपको स्पॉइलर दे दूं, मगर ये लोग मुझे स्पॉइलर देने दे। गाइस इन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें इन्होंने स्पॉइलर दे दिए, पर हमने उसे डांट के हटवा दिया। आपको इतने हटेंगी गाइस ये मुझे तो ये रिव्यू देना है क्या? प्यारी लग रही मूवी देख के, नहीं आया। हां मूवी कैसी थी? मूवी कैसी थी? बहुत कोई मूवी मूवी नहीं देखी, बहुत वो जो हुआ था इसको छत से कूदा था। कैसा था? देख के आओ, मूवी देख के आओ, बढ़िया मूवी है। कल या परसों मेरे को लेके जाएंगे। और क्या था? मैं भी मूवी में कुछ गाइस रिफा इतना रोई है, यानी उन्हें हमने बुलाया था ना, देखा आपने, वो रोई है बेचारी मुझे छोड़ कर मूवी देखने चला गया। वो स्कूल गई, इतना प्यारा लग रहा है हमारा, कच्चू कच्चू दोनों अच्छे लग रहे हैं, खुश हो जाएंगे। तो गाइस अब हम पसंद करते हैं ये अपना मशीन, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। बहुत चीज़ें मैंने आपको दिखाई, थोड़ी सी और दिखाती हूँ। गाइज आप यहाँ आ चुके हैं, आप ही अजीज, और आप ही को लग रहा है ये मशीन छोटी लग रही है। बॉडी का साइज सेम रहेगा, मैं तो टप का साइज में डिफरेंट है। गाइस बात ऐसी है, हमारी जो मशीन है 10 किलो की है, वो बहुत बड़ी है, और ये जो 10 किलो की मशीन है बहुत छोटी है। अब ये बहुत कंफ्यूज हो रहा है मशीन को लेकर, अभी हमने कोई पसंद नहीं करी, हमने आपके आने का इंतजार करा जी, अब आपको पसंद कर। गाइज यहाँ पे आप ही आ चुके हैं, और इज़ू जैसे कि आप सब देख सकते हैं, वो इज़ू उबी में घुस गया जैसे कि वो हमेशा घुस जाता है। और अभी इन लोगों को मशीन समझ नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने साइज़ छोटा कर दिया, तो ये परेशान हो रहे हैं थोड़े। सो गाइज अब हम मशीन पसंद करते हैं, ये है पूरा विजय सेल्स। गाइज मुझे कोल्ड हो गया ठंडी में, यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, क्या कहते हैं इसे, गैस, ये बाकी सब, ये गैस, ये चिमनी, वहाँ गैस, वहाँ वॉशिंग मशीन्स, वहाँ पे भी वॉशिंग मशीन्स। गाइस हमारे इज़ू भी आया है जिसकी तबीयत खराब हो रही है। इज़ू हाय करो इधर, हाय, फ्लाइंग किस भी दे दो। कैसे हो आप? कितने अच्छे हो आप? बहुत। गाइस ये पूरे वर्ड्स नहीं बोल पाते, इसलिए ये जो भी इसे अच्छा लगता है उसे बोल देता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। गाइस फाइनल हो गया, अभी हमारे घर आएगी हाई मशीन, और ये वाली नहीं आएगी दूसरी, क्योंकि ये है यानी ये आउट, ये डिस्प्ले होके ना, तो डिस्प्ले वाली मशीन हमारे घर आएगी मशीन। जीजो को मशीन पसंद आ चुकी है और उन्होंने ले भी ली, तभी कह रहे हैं तुम जाओ मैं कर लूंगा बिलिंग, तुम जाओ। सेमी ऑटोमेटिक देख रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा। गाइस अभी सेमी ऑटोमेटिक देख रहे हैं, गाइस इसके कपड़े खाते रहता है, इसकी शक्ल खाते रहता है, शेर हुडी खा रहा है। अरे वो ऊपर का कैप है मंतापी, मंतापी आगे से खुलेगी मंतापी। गाइस यहाँ पे प्रेस है, और जो है ये उबी वाली प्रेस लेंगी,
ये प्रेस यू यू करो इस पे जूम कपड़े प्रेस इसे चिपकाओ चिपकाओ इसका इसको चिपका दो प्रेस चिपका दो नहीं 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 हाँ ये मनताप की शक्ल प्रेस करो स्टीम प्रेस अब यही आएगी घर पर मैं जल्दी लाऊंगी एक उब्बी के घर पे एक हमारे घर पे ठीक है ना भाई जीजे को थोड़ा वो हो रहा है कि मैं थोड़ा सेमी ऑटोमेटिक पे नजर डाल लूं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जीजे ने हम आपको चिढ़ा रहे हैं थोड़ा सा कि जीज जो है सेमी ऑटोमेटिक देख रहे हैं तो ही बढ़िया होती है नहीं सेमी नहीं फुली ऑटो अच्छी होती है राइस कुकर है ये जिसमें एयर फ्रायर नहीं होता एयर फ्रायर होता है एयर फ्रायर है राइस कुकर नहीं है ये इस पे फोकस ये एयर फ्रायर है गाइस गाइस ये भी एयर फ्रायर है यहाँ डालो आप सब ले आना मनताप ही अमीर हो जाओ ठीक है गाइस अब हम जा रहे हैं सब लाऊंगा अब हम जा रहे हैं नीचे घर क्या बोलो मम्मी थोड़ा इंडक्शन की तरफ मम्मी की नजरें जा रही हैं अब अब हम कर जा रहे हैं इन दोनों का यही चलता रहता है तेरा हुडी पे गुजरा देख तो कितनी बड़ी है दोनों आ गए मम्मी पसंद कर ली इंडक्शन पे पैसे नहीं लिखे पसंद कर ली डन है भाई आप ही कह रही हूँ गाइस शायद जीज एलईडी भी लेंगे लोगे क्या जीज ले रहे हो क्या गाइज अभी ये अभी सिर्फ ये देख रहे हैं अभी लेने का सोच रहे हैं यानी जीज ने दादा तो बनाया था कि एलईडी भी लेंगे अब वो ये देख रहे हैं कि उन्हें कोई सा पसंद आए ना आए वो तो बहुत बड़ा हो जाएगी यार जीज जीज को इतनी ही बड़ी चाहिए ये चाहिए इतनी इतनी बड़ी थी जीजे सोच रहे हैं अब आया हूँ तो क्यों ना एलईडी भी यहाँ से लेकर ही जाऊँ तो जीजे हमारे एलईडी भी पसंद कर रहे हैं अलमास साहब के चेहरे पे अलग ही खुशी नजर आ रही है गाइस मैं आपको दिखाती हूँ गाइस अलमास साहब के चेहरे पे खुशी देखिए आप एक तीर से दो निशाने मारने आ गई है आज हमें एक तीर से दो निशाने वही तो मैं कह रही हूँ कितनी खुशी है जब एक तीर से हाथ रखे तो दूसरी खुद ब खुद मिली है हमें भी दिला दो हमें लैपटॉप दिला दो एप्पल का मम्मी 1,00,000 कुछ नहीं है हमें पैसा वैसा कुछ नहीं होता मम्मी सब लेके दूंगी कब लूंगी गाइस गाइस हम YouTube में जब हमारा ज़्यादा बड़ा जाएगा ना YouTube 2-3 मिलियन आएंगे तो मैं आई मैक पे एडिटिंग करा लूँगी शायद जब तक तो मैं एडिटिंग वाला रख लूँगी पर मुझे अपनी एडिटिंग ही पसंद आएगी तो शायद मैं अपनी एडिटिंग के लिए गाइस उनका लग ही चल रहा है वो अपने आई वॉच में खेले पड़े हम यहाँ पे जो सैंपल रखे होते हैं फोटोज ले रहे हैं इजू नहीं भी कोई आएगा अजी इजू को भी ले इजू को भी ले तू भी तू भी तू नहीं आ रहा इसे टेढ़ा कर लो उधर देखो पहले यूं करो मैं भी तो हूँ बच्चों सेवन अंकल देख रहे हो गाइस ये देख रहे हैं हमारे ड्रामे आओ मनताप हम फोटो लेते हैं यहाँ मत लो है ना यार डिलीट कर दो है हाँ डिलीट कर दो गाइस हमने ले लिया और अब हमने डिलीट कर दिए गाइस कोई देखे ना हमारे फोटोज ओ माय गॉड तुम हुस्न परी तुम जाने जा गाइस हम इसको डराते हैं टाइगर से क्या हो रहा है डर थोड़े ना रहा है ये तो बोलेगा हाय कर दो हाय कर दो हाय पास ले जा पास हाँ पास ले आओ डर गाइस हमने अभी एलईडी नहीं ली सिर्फ वॉशिंग मशीन ली है जितने का एलईडी थोड़े दिनों बाद ले लेंगे जिससे आप देखते हैं कि कितनी बड़ी लगेगी कितनी बड़ी नहीं लगेगी क्योंकि जितने तो सबसे बड़ा साइज सोचा था नाप कराएंगे वो दीवार को कितना बड़ा साइज सोचा था 65 इंचेस वाला साइज छोटा था सोचा था जीजी ने और वहाँ पर जाके देखा तो वो बहुत बड़ा है उनके रूम के हिसाब से तो अब वो देखेंगी मम्मी नापेंगे कि कितना बड़ा साइज चलेगा नहीं चलेगा फिर उसी हिसाब से ली जाएगी गाइस ये सब लोग गोलगप्पे खाने खड़े हो गए मैंने नहीं खाए इन लोगों ने खाया इसको खा के दिखाओ गाइस मैंने नहीं खाया बस एक आधा टेस्ट कर लिया था खिलाने ले जा रही थी ब्रेड पकोड़ा सब्जी से मैंने गोलगप्पे भी खाने थे ना अब गोलगप्पे के बाद शायद हम आ जाएंगे ब्रेड पकोड़ा खाने डर लग रही मेरे बेटी को बहुत ठन गाइज मैंने लिए अब टिक्की मम्मी ने लिए दही बड़े नहीं भल्ले पापड़ी और इन्होंने लिए भरे हुए गोलगप्पे जिसमें भैया ने आलू ही नहीं डाले गलती करी बेटा छुट्टी है छुट्टी गाइज हमने अभी क्या लिए ब्रेड पकौड़े हाँ ब्रेड पकौड़े लिए फेमस दुकान
फेमस जयपुर की, फेमस जयपुर फेमस दुकान है, क्या है जयपुर चलो हम खाते हैं। गाइस हमने ज़्यादा नहीं लिए बिकॉज अभी हमने वो खाया और अब हमें घर पे जाके खाना भी खाना है। क्यों टेम्प्ट कर रही हो, मुझे खाती हूँ मैं ज़रा। गाइस हम आप ही के घर आ चुके हैं। हम सब बेचारे नीचे इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हम चाबी लेके गए हुए थे, रिफर जिद्दू सो रहे थे तो हम चाबी लेके गए थे। हम जब स्कूल से सीधा इधर आए, हाँ बच्चों को पागल बना दिया, खुद मूवी देखने चले गए। आज क्या देख के आयो डंके एनिमल देख के आएंगे, खराब हो गया अपने फ्रिज की शॉपिंग, वो वॉशिंग मशीन की शॉपिंग। गाइस हम लोग अलमा साहब के घर आ चुके हैं, दिखा दिया है। हम आए ना अभी, हम दोनों नहीं आए थे। गाइस ये बच्चों के लिए चीजें भी लाए थी सारी, ये लाएं मतलब ज़्यादा नहीं है बच्चों के लिए, ज़्यादा है हमारे लिए तो इतनी सी है ना। इजो थैंक यू बोलो। थैंक यू गाइस। क्या 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 है आपके पास बताओ? चोपे और चोमाम, कौन कौन से चोमाम है? और कौन सी है? और ये भी तो है। गाइस ये अमीर है, हम गरीब हैं। गाइस मैं सो गया था और मैं उठ चुका हूँ और यहाँ पे खाने लग चुका है, दिखाता हूँ मैं। गाइस ये पापा अरशान, ये फन गालू अफशकारा, मम्मा जी है, ये सब खा रहे हैं खाना। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम जा रहे हैं अंदर खाना खाने। हम लोग खाएंगे रूम में, हम बड़े लोग। ओ ये लो गाइस, दाल चावल इतने टेस्टी, गाइस बहुत टेस्टी दाल चावल। जब उसके पापा हमारे दाल चावल चुराए जा रही है, तो हो सकता है मेन वेज से दाल चावल चुरा रही है हमारे। तो कहानी सुना रहा होता है। अब हम कोरमा मंगा रहे हैं, हमने दाल चावल खा लिए बहुत टेस्टी था। अब मैं कोरमा ऐसे खाते हैं खाना। नाचो इसके साथ, नचाना उबी से, नचा उबी इजो डांस। गाइस अब हम जा रहे हैं घर वापस। ये देखिए बेचारा बच्चा सामान लेके आके बैठा हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है, कोरा कोरा हो रहा है गाइस बाहर, थोड़ा थोड़ा सा कोरा कोरा। और गाइस मैं खा रही हूँ किन्नू, जो कि आप ही से मैं लेकर आई हूँ, गाड़ी में बैठ के किन्नू खा रही हूँ। मैं कैसे बैठी हुई देखो, ये लोग बैठे हैं, मम्मी रिपा को विंडो नहीं खोलने दे रही, रिपा बहुत परेशान। तो हम जा रहे हैं वापस घर और खा लो किन्नू आप। आगे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अब देखिए कैसे जाएं, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, बहुत कोहरा ही कोहरा। अंकल ने इंडिकेटर जला लिए मगर कुछ नजर नहीं आ रहा, तो अंकल ले रहे हैं यूटर्न। ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ये अंकल किसने अपने रिस्क पे जा रहे हैं? गाइस अंकल अपने रिस्क पे निकल रहे हैं, देख रहे हो आप? अरे तुम तो गायब हो गए। गाइस इतना कोहरा हो रहा है बाहर, ओ भाई साहब कोहरे में संतरे देखो सामने। हम बस रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं गाइस, किसी तरह। गाइस रास्ता बदलने के बाद भी कोहरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा गाइस, फिर हम फंस गए। रास्ता बदल के भी हमें कोहरा ही नजर आ रहा है सब जगह। कुर्सी चला देना गाइस, अंकल बहुत स्लो चला रहे हैं, स्पीड देखो आप। गाइस देखिए ओ भाई कश्मीर, हर तरफ कोहरा ही कोहरा। गाइस मनाली ना जाए, कश्मीरी गेट के पुल पे आ जाए। गाइस यहाँ पे लोग सो रहे हैं बताओ, ठंड में तभी तो कहते हैं अपने से नीचे वालों को देखो।
हमजा गाइस हाथ सेक रहे हैं कोरे में, कह रहे हैं हाथ पकड़ के देखो। ओ लो करंट लग रहा है मेरे। ओ भाई साहब पूरे कुछ नहीं गिरा। अरे ये कहां लेके जा रहे, कोने में जा रही गाड़ी। इधर लो भैया, इधर इधर मैं बता दूंगा। चलो गाइस अंकल रुक गए, अंकल परेशान। इधर की साइड लो। सो गाइस जैसा कि आपने देखा आज हमने कैसे मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी थी। फिर हम अलमा साहब के घर गए, बेचारी और गाइस कोहरा भी बहुत था, बट वो कश्मीरी गेट के पुल पे रहता है, यहाँ पे आके वो खत्म हो जाता है। जहाँ से आप पानी के पास से हटेंगे ना कोहरा खत्म हो जाएगा। तो बहुत मजा आया हमें पूरे रास्ते ट्रैवल करने में। अब बस हम घर पहुँचने ही वाले हैं। और खाना इतना टेस्टी बना रखा था मम्मी ने और अलमा साहब ने, बहुत टेस्टी खाना बनाया था। और मैं सो भी गया था, जाकर मैं सो गई थी और फिर हमने खाना खाया और मैंने रिफा की टी शर्ट पहनी है और बहुत मज़ा आया। और बेचारी रिफा वो मूड ख़राब क्योंकि हमने मूवी नहीं लेके गए। मैं चली जाऊँगी घूमने न्यू ईयर पे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगी। सो गाइस आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।